हेलो, मैं दीपा रावल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। प्राचीन भारत हम लोग कर रहे हैं जिसमें गुप्तोत्तर वंश हमारा चल रहा है और मुख्य रूप से हम लोग दक्षिण भारत पिछली दो क्लासेस से स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अभी तक हमने पल्लव वंश कंप्लीट किया है। पल्लव वंश के जो समानांतर दूसरा वंश जो एक और चल रहा था जिसे हम चालुक्य वंश के नाम से जानते हैं, आज की क्लास हमारी उस पर आधारित होगी। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसे कि मैंने बताया, दक्षिण भारत हम लोग कर रहे हैं, उसमें चालुक्य वंश जो कि पल्लव वंश के समानांतर ही अस्तित्व में था, ठीक है, पल्लव वंश के समानांतर ही अस्तित्व में था। किस क्षेत्र में? महाराष्ट्र की तरफ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये विकसित था, लगभग ईसा की छठी शताब्दी से लेके आठवीं शताब्दी के मध्य तक, ठीक है, लगभग ईसा की छठी शताब्दी से लेके आठवीं शताब्दी के मध्य तक पश्चिमी चालुक्य के नाम से जो शाखा जानी जाती है वो ये चालुक्य वंश की शाखा है। और उसके क्षेत्र की बात करें तो ये मुख्य रूप से बातापी या बादामी के नाम से ये जानी जाती है और ये इनकी राजधानी भी थी। ये जो चालुक्य है इनकी राजधानी बातापी या बादामी के नाम से जानी जाती है। हम देखेंगे चालुक्य की तीन शाखाएं हमने देखी थी, एक पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। इस तरीके से हमने जब हमने मैप देखा था, ज्योग्राफिकल उनका एरिया देखा था कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से राजवंश हैं, उस क्लास में हमने तीनों शाखाओं की बात करी थी, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले बादामी या बातापी के जो चालुक्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद किस तरीके से वो तो दोनों शाखाएं हैं वो अस्तित्व में आई उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि बताया, महाराष्ट्र में कौन सा वंश था? वाकाटक वंश। उसके बाद उसी क्षेत्र में चालुक्य वंश की स्थापना होती है। जैसे कि जब मौर्य वंश का अंत हुआ था तो मौर्य वंश के बाद सातवाहन वंश आया था दक्कन क्षेत्र में, जो कि उन मौर्यों के सामंत थे। उसके बाद वाकाटक वंश आया, वाकाटक वंश, और वाकाटक के बाद चालुक्य, चालुक्य वाकाटक के सामंत थे, चालुक्य वाकाटक के सामंत थे। इस तरीके से तीनों वंश अस्तित्व में चल रहे थे और वाकाटक के हराने के बाद चालुक्य वंश की स्थापना पश्चिमी क्षेत्र में होती है, ठीक है। इसके जो मुख्य स्रोत हैं, किस किस से हमें इनके बारे में पता चलता है, तो वो है पुलकेशन द्वितीय, जो कि इस काल के महानतम सर्वोत्तम राजा माने जाते हैं पुलकेशन द्वितीय। इनका एक अभिलेख है ऐहोल का अभिलेख, ठीक है, वहाँ से बादामी का शिलालेख, महाकूट का लेख, दानापात्र अभिलेख, ये है हमारे पास कुछ पुरातात्विक साहित्य जिसके माध्यम से हमें चालुक्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। वहीं एक और है ह्वेन स्वांग की यात्रा का वृतांत। ह्वेन स्वांग कौन थे? चीनी यात्री थे, चीनी यात्री थे और इनके समय में वो दक्षिण भारत में यात्रा करने आए, तो इनका यात्रा वृतांत जो लिखा गया है उसमें हमें इनके जो राजवंश है उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास पुरातात्विक एवं लैखिक दोनों प्रकार के स्रोत हैं जिसके माध्यम से हमें चालुक्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और चालुक्य वंश की स्थापना कहाँ पर थी, क्षेत्र कहाँ पर था, तो वो हमने बताया उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में सातवाहन वंश था, उसके बाद वाकाटक वंश था और उसके बाद चालुक्य वंश था। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हमने जैसे देखा था कि हमें सामंती प्रणाली का उद्भव देखने को मिला, किसके बाद? मौर्य वंश के बाद, गुप्तोत्तर काल में हमें ये चीज़ देखने को मिली, मौर्योत्तर काल में सॉरी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि जैसे ही जो ऊपरी राजा है वो जैसे ही कमज़ोर होना शुरू हो जाता है तो जो सामंत है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके एक नए राजवंश की स्थापना करते जाते हैं। वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है कि जैसे जैसे सातवाहन कमज़ोर हुआ तो उसमें से एक नया वंश उभर कर उनके सामंतों में से ही एक वंश वाकाटक वंश के रूप में उभरा। उसी तरीके से जब वाकाटक वंश कमज़ोर हुआ तो उसी जगह पर चालुक्य जो कि वाकाटक के सामंत हैं वो उभर कर एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं। और उस राजवंश में क्या क्या विशेष कार्य किए गए, कौन कौन सी ऐसी उपाधियां हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, युद्ध हुए, क्या नई चीज़ है जहां से कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, वो चीज़ हमारी पढ़ने लायक होती है और वही एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। उसी क्रम में जैसे कि हमने बताया कि पुलकेशन द्वितीय इस काल के बहुत महानतम राजा हैं और अगर आप देखोगे तो पुलकेशन द्वितीय से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चंस प्राचीन भारत से रिलेटेड पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये राजा रहे हैं,
किस वंश से संबंधित है, सबसे पहले यही जान लेना जरूरी है। तो वो चालुक्य वंश से संबंधित है। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? पुलकेश्वर प्रथम इस वंश के संस्थापक राजा हैं। इन्होंने क्या करा था? वातापी के आसपास, यानी कि बतापी या बादामी जो क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र को जीता, और बतापी जो जगह है इसको राजधानी अपनी बनाया। अगर ये पूछा जाता है कि जो चालुक्य वंश है उसकी राजधानी कहाँ थी, तो बादामी या बतापी कुछ भी नाम से इसको जानते हैं, दोनों में से कोई भी नाम इसको दे दिया जाता है, तो कुछ भी आ जाए। उसके अलावा है कि अश्वमेघ यज्ञ इनके द्वारा कराया गया एवं कुछ कुछ उपाधियाँ इनके द्वारा ली गई थी, तो वह है श्री पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय एवं रणविक्रम। रणविक्रम, श्री पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय जैसी उपाधियां पुलकेश्वर प्रथम के द्वारा ली गई। इनके विषय में बहुत सारी जानकारी, जैसे कि हमने बताया महाकूट का जो लेख है, अभिलेख, वहां से हमें इनके विषय में जानकारी मिलती है पुलकेश्वर प्रथम के विषय में। और इनको विष्णु से इनकी तुलना की गई है। मुख्य रूप से देखें तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित ये काल रहा है, ब्राह्मण धर्म की पुनरुत्थान का काल ये रहा है। इसके बाद इन्होंने, हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 1935 से 1966 ये इनकी ईसवी तक इनके शासनकाल का समय रहा है पुलकेश्वर प्रथम के। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी कीर्ति वर्मन प्रथम रहे, जो कि इस वंश के अगले जो राजा हैं पुलकेश्वर प्रथम के बाद, वो जो नेक्स्ट राजा बने वो हैं कीर्ति वर्मन प्रथम। उनके विषय में कहा जाता है बहुत पराक्रमी राजा थे, काफ़ी सारे युद्ध क्षेत्र, युद्ध कार्य इनके द्वारा किए गए। तो उसमें से मुख्य जो युद्ध हुए, मगध, अंग, कलिंग, मुद्रक एवं वनवासी के कदम्ब वंश, बेल्लारी वंश, कुर्नूल क्षेत्र के नलवासी शासक कोंकण के मौर्यों को इन्होंने हराया था युद्धों के माध्यम से, ऐसी जानकारी हमें इनके विषय में प्राप्त होती है। यानी कि इनके काल में बहुत सारे युद्ध हुए थे अलग अलग राजाओं के द्वारा, और इन्होंने उस क्षेत्र में उन राजाओं को हराकर विजय प्राप्त की थी। जब भी किसी क्षेत्र में युद्ध होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस राजा की विस्तारवादी नीति को दिखाता है, क्योंकि राजा उस क्षेत्र को जीतकर उस क्षेत्र का जो साम्राज्य में, अपने साम्राज्य में उसको मिला लेता है, जिससे कि उसके साम्राज्य का विस्तार होता है। और युद्ध कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, साम्राज्यवादी नीति से, जो राजा की विस्तारवादी नीति को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है कि इन्होंने अग्निस्टोम यज्ञ का कराया। अग्निस्टोम यज्ञ किसके द्वारा कराया गया है? तो कीर्ति वर्मन प्रथम के द्वारा। वही पुलकेश्वर प्रथम के द्वारा कौन सा यज्ञ कराया गया था? अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई कीर्ति वर्मन की, तो इनके जो पुत्र थे पुलकेश्वर द्वितीय, जो कि इस काल के बहुत महानतम राजा है, वो बहुत अल्पवयस्क थे, राजगद्दी पर बैठने की उस समय बहुत कम आयु की थी। तो इनके जो भाई थे मंगलेश, वो गद्दी पर बैठे थे। तो नेक्स्ट जो राजा है वो मंगलेश हैं। इनके द्वारा भी कलचुरियों को एवं कदम्ब वंश के राजाओं को हराया गया था। कलचुरी वंश के एक राजा है बुद्धराज, बुद्धराज उनको इनके द्वारा हराया गया था। यानी कि मंगलेश कौन थे? नेक्स्ट उत्तराधिकारी थे कीर्ति वर्मन के बाद। कीर्ति वर्मन के पुत्र नहीं थे, उनके भाई थे, ठीक है। उनके द्वारा भी युद्ध आदि क्रियाकलाप किए गए थे। तो कौन कौन से वंश के साथ उनका युद्ध हुआ था? तो कदम वंश एवं कलचुरी वंश के राजा बुद्धराज के साथ उनके युद्ध हुए थे, और उन दोनों को ही इन्होंने हराया था। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कैसे? परम भागवत की उपाधि, परम भागवत की उपाधि इनके द्वारा ली गई थी। किसके द्वारा? मंगलेश के द्वारा इनकी उपाधि परम भागवत की ली गई थी, जो कहीं ना कहीं विष्णु धर्म में इनके रुझान को दर्शाती है। उसके बाद नेक्स्ट राजा बने हैं पुलकेश्वर द्वितीय। पुलकेश्वर द्वितीय के राजा बनने से संबंधित एक ये चीज़ निकल कर आती है कि जब मंगलेश जब राजगद्दी पर बैठे, उसके बाद वो अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे अपने बाद, लेकिन पुलकेश्वर द्वितीय, जो क्योंकि कीर्ति वर्मन के वास्तविक उत्तराधिकारी थे, उनके द्वारा गृह युद्ध छिड़ गया था और उनके द्वारा मंगलेश की हत्या कर दी गई थी, और स्वयं राजगद्दी पर बैठे पुलकेश्वर द्वितीय। 609 से 610 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा है। उसके सॉरी, इनके विषय में जानकारी एहोल के अभिलेख से इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो उपाधियां इनके द्वारा ली गई थी वो है सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि इनके द्वारा ली गई थी। इनके विषय में एक और है कि इनके द्वारा भी बहुत सारे युद्ध हुए थे, क्योंकि विस्तारवादी नीति के ये भी राजा थे। साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण में इनका बहुत सारे युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रमुख है कदम का, आलुप, गंग एवं कोंकण के राजाओं को हराया। इसके अलावा तीन प्रमुख युद्ध हैं जो इनके समय के हैं, जो विशेष रूप से किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है
वो है हर्षवर्धन के साथ जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी पर। ये बहुत बार पूछा गया है, नर्मदा नदी पर किस राजा के साथ हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, ये बहुत बहुत बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। तो इसमें हर्षवर्धन के साथ इनका युद्ध हुआ था नर्मदा नदी पर। वैसे ये दूसरे क्रम का युद्ध, पर मैंने पहले इसको इसलिए बताया क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन में पुलकेशिन द्वितीय और प्रथम दोनों दिए होते हैं। जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ज़्यादातर ऑप्शंस में ये दोनों ही ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें से सही आंसर अगर हम निकालें तो पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है, अब अगर हम तीनों ही युद्धों की बात करें तो पल्लव और चालुक्य क्योंकि समान समय में अलग अलग जगह पर अस्तित्व में थे, साम्राज्य विस्तार की नीति दोनों की थी, तो दोनों आपस में संघर्षरत थे और दोनों का ही एक दूसरे राजवंशों के साथ युद्ध हुआ था। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कई बार पल्लव जीते कई बार चालुक्य जीते, इस तरीके से जीते, लेकिन अंतिम रूप से जो विजय होती है वो पल्लवों की हो जाती है। तो इसके विषय में कहा जाता है कि महेंद्र वर्मन के साथ प्रथम पल्लव युद्ध हुआ था और यहीं से पल्लव संघर्ष की नींव डल गई थी। पल्लव संघर्ष की नींव कहां से डली थी? महेंद्र वर्मन के साथ जो पुलकेशिन द्वितीय का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो युद्ध हुआ है वो है हर्षवर्धन के साथ। हर्षवर्धन कौन थे? तो हमने जब हम गुप्तोत्तर वंश की उत्तरी शाखा को जो हम कर रहे थे तो हमने बताया था कि जब गुप्त वंश का पतन होता है तो छोटे छोटे राजवंश अलग अलग क्षेत्र में स्थापित होते हैं। उसी में से कन्नौज क्षेत्र का जो राजा है पुष्यभूति वंश का, थानेश्वर में जहाँ पर इनकी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो वहाँ के जो शासक हैं हर्षवर्धन, उनके साथ जब उन्होंने दक्षिण की तरफ अपना विस्तार करना चाहा तो इनको रोक दिया था नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय ने, और उसके बाद दक्षिण की तरफ वो नहीं बढ़ पाए थे। ठीक है, ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी में। उसके बाद पल्लव चालुक्य संघर्ष का तीसरा युद्ध हुआ था नरसिंह वर्मन के साथ इनका युद्ध हुआ था। नरसिंह वर्मन के साथ जब दूसरा पल्लव चालुक्य युद्ध हुआ उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी पुलकेशिन द्वितीय की, और कहीं ना कहीं एक बहुत जो शक्तिशाली राजा था उसका अंत हो गया और बहुत बड़ा आघात लगा किसको? चालुक्य वंश को। उसके बाद दक्षिणापतेश्वर की उपाधि इनके द्वारा ली गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि दक्षिणापतेश्वर की जो उपाधि किसके द्वारा ली गई थी, तो वो है पुलकेशिन द्वितीय। एक और चीज़ है नरसिंह वर्मन से संबंधित, जब नरसिंह वर्मन विजित हुए थे तो इनकी जो राजधानी थी बतापी उसको जीत लिया था। उसके बाद बतापी कोंड की उपाधि ली गई थी। तो ये भी पूछा जाता है बतापी कोंड की उपाधि किसके द्वारा ली गई थी, तो वो है नरसिंह वर्मन के द्वारा। इसके अलावा विक्रमादित्य जब नेक्स्ट राजा इनके बने चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय के बाद जो नेक्स्ट राजा बने विक्रमादित्य, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र थे, उनका समय रहा है 655 से 681 ईस्वी। इनके द्वारा क्या हुआ था? भूभाग को जो पल्लवों के द्वारा जीत लिया गया था, अन्य राजाओं के द्वारा जो जीत लिया गया था, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। लगभग ऐसा माना जाता है कि 13 वर्ष का जो समय है ना पुलकेशिन द्वितीय और विक्रमादित्य के बीच का, वो एक अंधकारपूर्ण समय रहा है। उसके बाद जब विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने नए नए भूभाग को जो कि जीत लिया गया था पल्लवों के द्वारा और अन्य राजाओं के द्वारा, उसको फिर से अपने साम्राज्य में मिलाना इन्होंने शुरू करा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इनके द्वारा कांची को जीता गया, कांचीपुरम या कांची, जो कि पल्लवों की राजधानी थी। जैसे पल्लवों ने जब वातापी को जीता था तो उन्होंने वातापी कोंड की उपाधि ली थी, उसी तरीके से जब विक्रमादित्य ने कांची को जीता तो उन्होंने कौन सी उपाधि ली होगी? कांची कोंड की उपाधि। ठीक है, कांची कोंड की उपाधि किसके द्वारा ली गई है? विक्रमादित्य के द्वारा ली गई है। वातापी कोंड की उपाधि किसके द्वारा ली गई? तो नरसिंह वर्मन के द्वारा ये उपाधि ली गई है। उसके बाद विक्रमादित्य के बाद नेक्स्ट राजा बने विनयादित्य को तेराज पल्लवपति के नाम से भी जाना जाता है। इनके 11वें वर्ष में पल्लवों, मालव और चोल पल्लव पर विजय प्राप्त की थी। जब मालवा पर इन्होंने विजय प्राप्त करी थी मालवा पर, तो इन्होंने सकलोत्तरापथ की उपाधि धारण की थी। ठीक है, विनयादित्य विक्रमादित्य के पुत्र हैं, जब बाद में राजा बने, और जब ये राजा बने विनयादित्य, तो इनके द्वारा जो उपाधि धारण की गई कब? मालवा की विजय के बाद, तो वो है सकलो उत्तरापथ की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई। मुख्य रूप से इनका जो काल माना जाता है ब्राह्मण धर्म के उत्थान एवं ललित कला के विस्तार के लिए इनका जो काल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण
माना गया। उसके बाद नेक्स्ट राजा बनते हैं विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है, विनयादित्य के बाद नेक्स्ट उनके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य द्वितीय बने हैं। 733 से 747 ईस्वी इनका समय काल रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब ये राजा बने थे तो प्रथम वर्ष में ही इनके समय में अरब राजाओं का दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ था। अरबों का आक्रमण दक्षिण भारत पर, विशेष रूप से दक्षिण भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, अरबों का आक्रमण दक्षिण भारत पर किसके समय में हुआ था, तो वो है विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है। इनके समय में अरबों का प्रथम आक्रमण हमें दक्षिण भारत पर देखने को मिलता है। ये भी कई बार पूछा जा, क्योंकि परिवर्तन जहाँ होगा, अरब यहाँ पे अरब दक्षिण भारत में पहली बार दिखाई दिए तो एक नई तरीके की हमें चीज़ दिखाई दी, तो जहाँ चेंज होगा वहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है। उसके बाद पल्लव नरेश नंदी वर्मन को पराजित किया इनके द्वारा, और इनके द्वारा कांची कोंड की उपाधि ली गई थी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ इनके विषय में जानने को मिलती है कि दो महारानियां थी इनकी, लोक महादेवी त्रिलोक महादेवी, इनके द्वारा दो मंदिरों का निर्माण का श्रेय जाता है, वो है लोकेश्वर और त्रिलोकेश्वर मंदिर, ठीक है। लोकेश्वर और त्रिलोकेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है, तो इनकी दो महारानी लोक महादेवी और त्रिलोक महादेवी के द्वारा इन दोनों मंदिरों का निर्माण किया गया है। उसके बाद इस काल के अंतिम राजा चालुक्य वंश की बतापी शाखा के, बादामी या बतापी शाखा के अंतिम राजा हैं कीर्ति वर्मन द्वितीय। और इनके काल में क्या हुआ था, जब इस काल का पतन हुआ तो कौन सा राजवंश यहाँ आया, वो है राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट का जो दंती दुर्ग शासक था उसके द्वारा इस वंश का अंत कर दिया गया, यानी कि जो बतापी शाखा जो चल रही थी चालुक्यों की उसका अंत हो जाता है और राष्ट्रकूट नामक एक नया वंश का यहाँ पर स्थापना हमें दिखाई देती है। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि इसमें हम मुख्य रूप से बतापी शाखा को चल रहे थे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसके बाद चालुक्य के बाद जो राष्ट्रकूट वंश आया है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में राष्ट्रकूट वंश नहीं करेंगे, उसके स्थान पर हम लोग यहाँ पर करेंगे चालुक्यों की दो शाखाएँ और थीं। कौन कौन सी थी जो कि हमने जैसे बताई थी, एक तो थी कल्याणी के चालुक्य और दूसरी शाखा थी पूर्वी चालुक्य जो कि वेंगी के चालुक्य कहलाते हैं। पूर्वी चालुक्य क्या कहलाते हैं, वेंगी के चालुक्य, ठीक है, और ये कल्याणी के चालुक्य, चालुक्यों की दूसरी शाखा। अब क्या होगा कि जब ये चालुक्य वंश जब पतन हो जाएगा बादामी के चालुक्य, तो राष्ट्रकूट वंश आएगा। राष्ट्रकूटों के जो सामंत हैं, जब राष्ट्रकूट वंश का पतन होगा उसके बाद उस क्षेत्र के जो सामंत हैं वो कल्याणी में एक नए वंश की स्थापना करते हैं कल्याणी के चालुक्य के नाम से, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य के नाम से। उसी तरीके से वेंगी में एक जो पुलकेश्वर द्वितीय के वायसराय हैं वो जाकर इस क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं और वहाँ पूर्वी चालुक्य के नाम से एक नई शाखा का निर्माण करते हैं। इन दोनों शाखाओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और जो राष्ट्रकूट वंश जो कि चालुक्य के बाद आया है उसको जब हम त्रिपक्षीय संघर्ष करेंगे वहाँ हम देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर तीनों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसमें जब हम देखेंगे तो वहाँ पर हम राष्ट्रकूट वंश को वहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।